गाइस, तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11 की केमिस्ट्री की एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पूरा हिंदी में बहुत अच्छे से हम देखेंगे। और चलिए, आज पहला हमारा यूनिट 1 है जो कि है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो देखिए, पहला लाइन शुरू करते हैं हम। साइंस कैन बी व्यूड एज अ कंटिन्यूइंग ह्यूमन एफर्ट टू सिस्टमाइज नॉलेज फॉर डिस्क्राइबिंग एंड अंडरस्टैंडिंग नेचर। साइंस को देखा जा सकता है एक लगातार हो रहे ह्यूमन के द्वारा एफर्ट को सिस्टमाइज करने के लिए, एक नॉलेज को सिस्टम में लाने के लिए, ऑर्डर में लाने के लिए, फॉर डिस्क्राइबिंग एंड अंडरस्टैंडिंग नेचर, इस दुनिया, इस प्रकृति को अंडरस्टैंड करने के लिए या समझने के लिए या डिस्क्राइब करवाने के लिए जो कुछ भी किया जा रहा है वो सारा एफर्ट्स को हम साइंस कहते हैं। अपने प्रीवियस क्लासेस में आपने देखा होगा कि हम बहुत सारे डाइवर्स सब्सटेंसेस के सामने आते हैं और उनमें जो चेंजेस होते हैं वो भी हम देखते हैं। तो वही चीज़ अगली लाइन है। यू हैव लर्नड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट वी कम अक्रॉस डाइवर्स सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन नेचर एंड चेंजेस इन देम इन डेली लाइफ। तो आज डेली लाइफ में जो कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारा मिल्क 100 रुपए कर्ड बन रहा है, हमारी बाइसिकल में डस्ट लग रहा है, बहुत सारे ऐसे, ठीक है, जैसे कर्ड फॉर्मेशन फ्रॉम मिल्क, फॉर्मेशन ऑफ विनेगर फ्रॉम शुगर केन जूस से विनेगर का फॉर्मेशन होना, फॉर ऑन कीपिंग फॉर प्रोलॉन्ग टाइम एंड डस्टिंग ऑफ आयरन आर सम एग्जांपल्स ऑफ चेंजेस विच वी कम अक्रॉस मेनी टाइम, जिसके कम अक्रॉस हम बहुत बार आए हैं, बहुत बार हमने उसको देखा है, नोटिस किया या ऑब्जर्व किया अपने डे टू डे लाइफ स्टाइल में। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस के तौर पर साइंस इज सब डिवाइडेड। देखिए, साइंस तो बहुत बड़ा है लेकिन उसको सब डिवाइड किया गया है बहुत सारे डिसिप्लिन में। डिसिप्लिन का मतलब बहुत सारे ब्रांचेज में, ब्रांचेज जैसे फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, जियोलॉजी एक्सेट्रा, और इसमें से एक ब्रांच जो है हम आज पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन होती है वो आप नेक्स्ट लाइन में देख सकते हैं, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन आप समझ सकते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस, देखिए, द ब्रांच ऑफ साइंस that studies the preparation of properties, structure and reactions of material substances is called chemistry. ठीक है, ये आप समझ गए होंगे कि एक ऐसी ब्रांच साइंस की जहाँ से या जिससे हम पढ़ते हैं प्रिपरेशन, बनाना कोई चीज़, उसकी प्रॉपर्टीज, उसका स्ट्रक्चर और रिएक्शंस बहुत सारे मटीरियल सब्सटेंसेस की, और इसे ही हम केमिस्ट्री का नाम देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री एज वी अंडरस्टैंड टुडे इज नॉट अ वेरी ओल्ड डिसिप्लिन। जैसा जो केमिस्ट्री आज हम जानते हैं वो बहुत पुरानी नहीं है, ठीक है। केमिस्ट्री वॉज नॉट स्टडीड फॉर इट्स ओन से, केमिस्ट्री उसके अपने खुद के लिए ना पढ़ के बल्कि कुछ कारणों से पढ़ी जाती थी। केमिस्ट्री वॉज नॉट स्टडीड फॉर इट्स ओन से, रादर इट केम अप एज अ रिजल्ट ऑफ सर्च फॉर टू इंटरेस्टिंग थिंग्स। पहले देखिए, दो इंटरेस्टिंग थिंग्स जो थे उनकी सर्च करने के लिए, उसको सर्च करने के लिए, उसको ढूंढने के लिए या उसको बनाने के लिए केमिस्ट्री पढ़ी जाती थी और केमिस्ट्री में और खोजें की जाती थी। पहला है फिलोसोफर्स स्टोन, या जिसे पारस पत्थर कहते हैं। इससे क्या होता है, जब आप किसी आयरन या कॉपर में उसको छुआ देते हैं तो तुरंत गोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये सच्चाई तो नहीं है लेकिन पहले के समय में ऐसा माना जाता था, ठीक है। और इस मानने की वजह से केमिस्ट्री को पढ़ के और समझा जाता था कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या कोई ऐसा मटेरियल डेवलप किया जा सकता है। और सेकंड, एलिक्सायर ऑफ लाइफ विच वुड ग्रांट इमोर्टैलिटी। एलिक्सायर ऑफ लाइफ मतलब कि एक हमेशा इमोर्टैलिटी देने वाला एक पोर्शन, जैसे मैजिक पोर्शन हम लोग गेम्स वगैरह खेलते हैं तो उसमें हमको दिखता है ना कि मैजिक पोर्शन पी लिया, अब मॉन्स्टर हमको जितना भी मारेगा हम कभी नहीं मरेंगे, ठीक है। तो उसे हम पोर्शन कहते हैं, उसे ही एलेक्सियर भी कह सकते हैं हम, ठीक है, सेम ही मतलब है दोनों का, सिनोनिम्स कह सकते हैं आप। नेक्स्ट देखिए, पीपल इन एंशिएंट इंडिया ऑलरेडी हैड द नॉलेज ऑफ मेनी साइंटिफिक फिनोमेना मच बिफोर द एडवेंट ऑफ मॉडर्न साइंस। जो हमारे देश में, इंडिया में बहुत समय पहले से जो भी नॉलेज चली आ रही है उनके पास पहले से बहुत सारी नॉलेज थी इस तरह के साइंटिफिक फिनोमेना की, इससे पहले कि मॉडर्न साइंस का शुरुआत हुई, एडवेंट हुआ या मॉडर्न साइंस सामने आई देखने में, ठीक है। दे हैड अप्लाइड दैट नॉलेज इन वेरियस वॉक्स ऑफ लाइफ, बहुत सारे वॉक्स ऑफ लाइफ में, बहुत सारे तरीके में, बहुत सारे यूज कर चुके थे वो लोग ऑलरेडी, ठीक है। केमिस्ट्री डेवलप्ड मेनली इन द फॉर्म ऑफ अल्केमी एंड आइट्रोम केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जो थी किस तरह से डेवलप हुई, अल्केमी। अल्केमी देखिए क्या होता है, ये एक केमिस्ट्री नहीं है, ये एक जादू की कला कह सकते हैं इसको आप, कि जिसमें क्या होता है कि आप आयरन से गोल्ड बनाने की, जैसे आपको अभी मैंने आपके फिलोसोफर स्टोन्स की बात की, तो वो सब चीज़ें अल्केमी के अंदर आती है, ठीक है।
कि जादू से कुछ करना, जादू वगैरह से ज्यादा इसका रिलेशन है इन कंपैरिजन टू साइंस, ठीक है। और आइट्रोकेमिस्ट्री भी वही सब चीजों को रिलेट करती है आलकेमी वगैरह को के अकॉर्डिंग ही है। आपको गूगल सर्च करके देख सकते हैं क्या है इसका मीनिंग आइट्रोकेमिस्ट्री का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मॉडर्न केमिस्ट्री टुक शेप इन 18th सेंचुरी। जो मॉडर्न केमिस्ट्री थी, जो आज हम पढ़ रहे हैं या जो आज हमारी बुकों में लिखी हुई है, वो उसने अपना शेप लिया या वो एग्जिस्टेंस में आई कब? 18वीं सेंचुरी में, यूरोप में। आफ्टर अ फ्यू सेंचुरी ऑफ अल्केमिकल ट्रेडिशंस विच वर इंट्रोड्यूस्ड इन यूरोप बाय द अरब्स। कुछ सेंचुरीज बीतने के बाद उन अल्केमिकल यानी अल्केमी के जो ट्रेडिशंस थे, उनके कुछ सेंचुरीज बाद जो इंट्रोड्यूस किए गए थे यूरोप में बाय अरब, अरब के लोग यानी मिडिल ईस्ट में, आप जानते होंगे, ठीक है, मिडिल ईस्ट के लोगों को अरब्स कहा जाता है, वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया उन्होंने यूरोप में। और वहाँ पे कुछ साल तक तो अल्केमिकल ट्रेडिशंस चले, फिर मॉडर्न केमिस्ट्री ने अपना शेप लेना शुरू कर लिया। मैं ऑब्जेक्टिव्स वगैरह नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि आप जानते हैं वो सब बहुत वेस्ट ऑफ टाइम है। नेक्स्ट देखते हैं। अब मैं आपको बता दूं, वैसे आपको एक चीज़ आपको मैं वार्न कर दूं कि भी आप बहुत सारी फालतू चीज़ें पढ़ने वाले हैं इसमें, ठीक है, उसका आपको बिल्कुल नहीं याद रखना है और उसकी आपकी टेंशन भी नहीं लेनी है, क्योंकि ये सब फालतू की बातें बताते हैं एनसीईआरटी में। लेकिन और फालतू की बातें कई बार ज़रूरी भी इसलिए हो जाती हैं क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर है, देखिए। तो बहुत सारी ऐसी फालतू बातें आपको अभी सुनने को मिलेंगी, आप उसको सुनिए, थोड़ा बहुत दिमाग में रखिए जो आपको लगे इंपॉर्टेंट है, बाकी आप अब एक कान से सुनिए दूसरे कान से निकालते चले जाइए, चलिए, ठीक है। तो अदर कल्चर्स, स्पेशली द चाइनीज एंड इंडियन, हैड देयर ओन अल्केमिकल ट्रेडिशंस। बहुत सारे दूसरे कल्चर्स जैसे चाइनीज और इंडियन, उनके अपने अलग अल्केमिकल ट्रेडिशंस थे। दीज इंक्लूडेड मच नॉलेज ऑफ केमिकल प्रोसेसेस एंड टेक्निक्स। इन क्या क्या इंक्लूड करते थे? बहुत मच नॉलेज ऑफ केमिकल प्रोसेसेस एंड टेक्निक्स, ये सब बहुत कुछ इंक्लूड करते थे। इन एंशियंट इंडिया, पुराने समय में, केमिस्ट्री वॉज कॉल्ड रसायन शास्त्र, रस तंत्र, रस क्रिया और रस विद्या। तो पुराने समय में एंशियंट इंडिया में केमिस्ट्री को इंडिया इंडिया में क्या कहा जाता था? रसायन शास्त्र, रस तंत्र, रस क्रिया या रस विद्या, ठीक है। मेनली रस को पकड़ करके दो चार नाम लिख दिए। इट इंक्लूडेड मेटलर्जी, मेडिसिन, मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक्स, ग्लास, डाइज एक्सेट्रा, ये सब चीज़ का मैन्युफैक्चर के आसपास डील करता था ये सब। सिस्टमेटिक एक्सकवेशन एट मोहनजोदारो इन सिंध, सिंध पाकिस्तान में है और वहाँ पे मोहनजोदारो है, जो कि आप जानते हैं एक पुरानी सभ्यता थी, वहाँ पे जो सिस्टमेटिक एक्सकवेशन किए गए, और हरप्पा जो कि पंजाब में है, वहाँ से जब निकाला गया, दोनों ही वैसे पाकिस्तान में है इस वक्त, तो ये प्रूव करता है कि द स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया इज़ वेरी ओल्ड। जो ये डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री हो रही थी, ये कोई आज की बात नहीं है या पहले की बात नहीं है, ये तब से हरप्पा और मोहनजोदारो के समय से ही चली आ रही है इंडिया में इसका डेवलपमेंट। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स शो दैट बेग्ड ब्रिक्स वर यूज इन कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग में ये पता चला है कि बेग्ड ब्रिक्स, जो उस समय किल्न में हीट करके या बेक करके ब्रिक्स को यूज़ किया जाता था कंस्ट्रक्शन वर्क में, ठीक है। और उसके बाद मास प्रोडक्शन ऑफ पॉटरी, पॉटरी आप जानते हैं क्ले मिट्टी से जो चीज़ें बनती हैं, दिया वगैरह आप बनाते होंगे दिवाली में, खरीद के लाते होंगे आप दिवाली में, तो वो सब पॉटरी का काम है, ठीक है, पॉटर बनाता है वो सब, ठीक है, वो सब उसमें ही काउंट होता है। तो उस समय इतने पुराने समय से ही ये सब चलता आ रहा है, विच कैन बी रिगार्डेड एज अर्लीस्ट केमिकल प्रोसेस, और उसे हम अर्लीस्ट केमिकल प्रोसेस के नाम से जान रहे हैं। इन विच केमिकल्स वर मिक्सड, मोल्डेड एंड सब्जेक्टेड टू हीट, जिसमें क्या किया जाता था कि बहुत सारे मटेरियल को, क्ले मिट्टी वगैरह को मिक्स किया जाता था, मोल्ड करके एक फॉर्मेशन में लाया जाता था और हीट किया जाता था, सब्जेक्टेड टू हीट बाय यूजिंग फायर टू अचीव डिजायरेबल क्वालिटीज। फायर के जरिए हीट करा जाता था। रिमेन्स ऑफ ग्लेज्ड पॉटरी यानी चमक वाली, जिसमें किसी तरह से कुछ पेंट करके या कुछ भी करके उसमें चमक पैदा की जाती थी, हैव बीन फाउंड इन मोहनजोदारो। जिप्सम, जिप्सम हम जानते हैं मटीरियल का नाम है, ठीक है, जिप्सम सीमेंट बनाने में भी यूज होता है, तो जिप्सम सीमेंट हैज बीन यूज इन कंस्ट्रक्शन वर्क। तो उस समय के समय में आज भी यूज होता है जिप्सम, तो उस समय भी हमको कंस्ट्रक्शन वर्क में जिप्सम देखने को मिलता था। इट कंटेन्स लाइम एंड ट्रेसेस ऑफ CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। उस समय इसमें क्या होता था, उस सीमेंट में लाइम होता था, सैंड होता था और कैल्शियम कार्बोनेट होता था, मतलब कितना एडवांस्ड हो गया था उस समय का ये
उस समय से कितना एडवांस था ये सब चीजें, अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं। हैरप्पन्स मेड फैंस अ सॉर्ट ऑफ ग्लास विच वॉज यूज इन अर्नामेंट। तो फैंस बनाते थे, ये ग्लास था, एक तरह का ग्लास था जो ऑर्नामेंट में यूज होता था। तो ये सब कुछ याद नहीं रखना है, चलिए पढ़ते जाइए बस, भूलते जाइए, ठीक है। दे मेल्टेड एंड फोज्ड ए वराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मेटल। और बहुत सारे मेटल्स को इन्होंने पिघला करके बनाया मटीरियल्स नए नए, जैसे कौन कौन से, लेड, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर। दे इम्प्रूव द हार्डनेस ऑफ कॉपर फॉर मेकिंग आर्टिफैक्ट बाई यूजिंग टिन एंड आर्सेनिक। इसकी मदद से कॉपर को की हार्डनेस को बढ़ा दिया। नंबर ऑफ ग्लास ऑब्जेक्ट्स वर फाउंड इन मस्की इन साउथ इंडिया एंड हस्तिनापुर इन तक्षशिला इन नॉर्थ इंडिया। ये सब जहाँ पे ग्लास ऑब्जेक्ट्स मिले थे। ग्लासेस एंड ग्लेजेस वर कलर्ड बाय एडिशन ऑफ कलरिंग एजेंट लाइक मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड आप जानते हैं कलर्ड होते हैं बहुत सारे, तो उसकी मदद से कलरिंग भी की जाती थी ग्लासेस में। कॉपर मेटलर्जी डेट्स इन इंडिया डेट्स बैक टू बिगनिंग ऑफ चाल्कोलिथिक कल्चर्स इन द सब कॉन्टिनेंट। और बहुत पुराने समय से, चाल्कोलिथिक कल्चर्स के समय से जो है कॉपर मेटलर्जी चली आ रही है। देयर आर मच आर्कियोलॉजिकल इविडेंसेस टू सपोर्ट द व्यू दैट टेक्निक टेक्नोलॉजीज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर एंड आयरन वर डेवलप्ड इंडिजीनियसली। और बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं जो सपोर्ट करते हैं इस बात को कि टेक्नोलॉजी जो थी वो बहुत डेवलप्ड थी और सब कुछ डेवलप्ड इंडिजीनियसली डेवलप्ड थी, यानी कि सब कुछ उस सब कॉन्टिनेंट के अंदर ही डेवलप की गई थी, यानी इंडिया के अंदर ही डेवलप की गई थी, कुछ भी बाहर से नहीं आया था। अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा टैनिंग ऑफ लेदर एंड डाइंग ऑफ कॉटन वर प्रैक्टिस ड्यूरिंग इतना इतना देखिए इतना 1000 से 400 BCE। तो ऋग्वेदा के अकॉर्डिंग जो हमारे बहुत अच्छी स्क्रिप्चर है, हिंदू स्क्रिप्चर है, उसमें टैनिंग ऑफ लेदर, लेदर को आप जानते हैं डायरेक्टली यूज नहीं किया जा सकता है, टैन करना पड़ता है उसको पहले, तो वो चीज करने के लिए। और सेकेंड चीज डाइंग ऑफ कॉटन, कॉटन को डाइंग करना यानी कि उसमें कलरिंग करना, ये दोनों चीज प्रैक्टिस की जाती थी इतने पुराने समय में भी, 100,000 से 400 BCE में भी। द गोल्डन ग्लॉस ऑफ द ब्लैक पॉलिश वेयर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया कुड नॉट बी रेप्लीकेटेड एंड स्टिल अ केमिकल मिस्ट्री। तो गोल्डन ग्लॉस, ग्लॉस आप समझते हैं चमक होगा, ठीक है, ग्लॉस का मतलब चमक होती है। और द ब्लैक पॉलिश वेयर, पॉलिश वेयर यानी कि कोई सामान होगा, वेयर यानी कि कुछ पॉटरी होगी या कोई मेटल का कोई सामान बर्तन वगैरह होगा, वो नॉर्दर्न इंडिया में जो कुछ भी मिला था उसको रेप्लिकेट आज तक नहीं कर पाया, उसको आज तक नहीं बनाया जा सका है, और एक केमिकल मिस्ट्री है कि ये कैसे बन गया, ठीक है। दीज वेयर्स, इस तरह के बर्तन इंडिकेट द मास्टरी विथ विच किल्न टेम्परेचर कुड बी कंट्रोल्ड। और ये दिखाता है कि कितनी आसानी से किलनी, किलनी समझते हैं हिंदी में इसको कहते हैं, या भट्टी जैसे कह सकते हैं आप, उसके टेम्परेचर को कितने आसानी से और कितने एफिशिएंटली ये लोग कंट्रोल कर रहे होते थे इस तरह की ग्लेज पाने के लिए, इस तरह की ग्लॉस पाने के लिए, ठीक है। कौटिल्यास अर्थशास्त्र डिस्क्राइब्स द प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र वो डिस्क्राइब करता है किस तरह से सॉल्ट, जो सॉल्ट होता है आप जानते हैं खारा पानी होता है सी का, उसमें से निकाला जाता था इतने सी में से, ठीक है। अ वास्ट नंबर ऑफ स्टेटमेंट एंड मटीरियल डिस्क्राइब्ड इन एंशियंट वैदिक लिटरेचर। बहुत सारे स्टेटमेंट और मटीरियल जो कि डिस्क्राइब किए गए हैं एंशियंट लिटरेचर में। बी शोन टू एग्री विथ मॉडर्न साइंटिफिक फाइंडिंग्स। तो मॉडर्न जो बहुत सारे ऐसे मिले हैं, मतलब कि बहुत सारे स्टेटमेंट्स और मटेरियल इस तरह के मिले हैं वैदिक लिटरेचर में जिसको ऐसे दिखाया जा सकता है कि वो एग्री करते हैं मॉडर्न साइंटिफिक फाइंडिंग से, यानी अभी जो हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं कि हाँ ये भी होगा उनके पास, ये भी कर लेते होंगे, वो भी कर लेते होंगे, तो वो हाँ एग्री करते हैं कि हाँ वो वैदिक लिटरेचर उसमें वो प्रूफ देता है उस चीज़ का, कह सकते हैं, ठीक है। कॉपर यूटेंसिल्स, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ऑर्नामेंट एंड टेराकोटा डिस्क। टेराकोटा एक तरह का मटीरियल है, ठीक है, उससे भी बहुत सारे स्टैचूज वगैरह बनते थे, ठीक है, उस टाइम पर। टेराकोटा डिस्क एंड पेंटेड ग्रे पॉटरी हैव बीन फाउंड इन मैनी आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन नॉर्थ इंडिया। तो कॉब ये सब चीज़ें मिलती थी, एंड पेंटेड ग्रे और पॉटरी ये सब चीज़ें मिलती थी बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स में नॉर्दर्न इंडिया के। सुश्रुत संहिता एक्सप्लेन, ये कोई एक बुक है सुश्रुत संहिता, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट ऑफ एल्कली। एल्कली जो कुछ आज हम लोग पढ़ते हैं वो उस समय बताया करती थी एल्कलीज की इम्पोर्टेंट। द चरक संहिता मेंशंस एंशियंट इंडियंस हु न्यू हाउ टू प्रिपेयर सल्फ्यूरिक एसिड। जो चरक संहिता है वो ये, वो जान हु न्यू हाउ टू
वो ये उन लोगों को बताती थी, उन लोगों का नाम लेती थी जो ये जानते थे कि किस तरह से सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, टेन, जिंक सल्फाइड, सल्फेट्स ऑफ कॉपर, जिंक आयरन एंड कार्बोनेट्स ऑफ लेड एंड आयरन को बनाया जाता है, ठीक है, प्रिपेयर किया जाता है, ये बताती थी चरक संहिता। द रशो रशोपनिषद डिस्क्राइब्स द प्रिपरेशन ऑफ गन पाउडर मिक्सचर। सोचिए उस वक्त के समय में गन पाउडर मिक्सचर का भी, जो कैसे इसको बनाते हैं और उसको किस तरह से यूजेज वगैरह बनाने का प्रोसेस वगैरह, ये सब उस बुक में लिखा हुआ था। तमिल टेक्स्ट ऑल्सो डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ फायर वर्क यूजिंग सल्फर, चारकोल एंड सॉल्ट पीटर, पोटेशियम नाइट्रेट एंड मरकरी मरकरी कैम्फर इफेक्ट। तो फायर वर्क का भी किस तरह से बनाया जा सकता है प्रिपरेशन वगैरह, तमिल के टेक्स्ट में लिखी हुई है। नागार्जुना वॉज अ ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट, ही वॉज अ रेप्यूटेड केमिस्ट एंड आल केमिस्ट एंड अ मेटलर्जिस्ट। तो ये आदमी, इनका नाम बताया जा रहा है नागार्जुना का। हिज वर्क रस रस नत रस नत का रस रस नत रस रत्न कर रस रत्न कर डील्स विद द फॉर्मुलेशन ऑफ मरकरी कंपाउंड। उनका जो ये वर्क है रस रत्न कर, ये डील करता है किसके फॉर्मेशन से, मरकरी कंपाउंड्स के। मरकरी के आप जानते हैं, मरकरी एक लिक्विड मेटल है, उसके फॉर्मुलेशन से, उसके कंपाउंड्स को कैसे बनाया जाता है, उससे ये डील करता है। ही हैज ऑल्सो डिस्कस्ड मेथड्स फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, टिन एंड कॉपर। ये सब को भी किस तरह से निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसके बारे में लिखा है ये बुक रसवर्णम, रसवर्णम यही सब है ना, रसवर्णम पता नहीं क्या है, छोड़िए इस नाम में तो कुछ नहीं रखा है, ठीक है। अपियर्ड अराउंड 800 CE। इट डिस्कस्ड यूजेस ऑफ वेरियस फर्नेसेस, ठीक है, बहुत सारे फर्नेसेस का, ओवंस का और क्रूसिबल्स का, किस तरह से पॉटरी वगैरह के लिए आप जानते हैं कि भट्टी बनाई जाती थी, बहुत तरह की भट्टियों को, ओवंस को, ये सबको डिस्क्राइब करता था अलग अलग पर्पज के लिए, ठीक है। इट डिस्क्राइब्स मेथड्स बाय विच मेटल्स कुड बी आइडेंटिफाइड बाय फ्लेम कलर। और फ्लेम कलर से आप जानते हैं, या अभी अभी आगे आप जानेंगे कि किस तरह से फ्लेम कलर को, फ्लेम कलर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक मेटल को, ठीक है। चक्रपाणि डिस्कवर्ड मरकरी सल्फाइड। चक्रपाणि जो है उसने डिस्कवरी की किस चीज़ की, मरकरी सल्फाइड की। द क्रेडिट फॉर इन्वेंटिंग सोप ऑल्सो गोज टू हिम, और सोप का भी इन्वेंशन का क्रेडिट उसको ही जाता है। ही यूज मस्टर्ड ऑयल एंड सम अल्कली एज इंग्रेडिएंट फॉर मेकिंग सोप, और ये सब उसने यूज किया सोप बनाने के लिए। इंडियंस बिगेन मेकिंग सोप इन 18th century CE। ऑयल ऑफ इरांडा, सीड्स ऑफ महुआ प्लांट एंड कैल्शियम कार्बोनेट वर यूज इन मेकिंग सोप। तो ये सब इंडियंस जो थे वो 18th century में सोप बनाने लगे थे, और ये सब यूज करते थे ऑयल ऑफ इरांडा, सीड्स ऑफ महुआ प्लांट और कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब यूज होता था सोप बनाने के लिए। द पेंटिंग फाउंड ऑन द वॉल्स ऑफ अजंता एंड एलोरा, अजंता एलोरा जानते हैं केव्स है, उसमें जो पेंटिंग बनी हुई है विच लुक फ्रेश इवन आफ्टर एजेस, इतना समय हो गया उसको, मतलब कि सालों हो गए, हजारों साल हो गए हैं, लेकिन वो अभी भी उतनी साफ साफ दिखती है वो पेंटिंग्स। टेस्टिफाई टू हाई लेवल ऑफ साइंस अचीव्ड इन एंशियंट इंडिया, ये दिखाती है कि कितने हाई लेवल ऑफ साइंस पहुंच गई थी उस वक्त के टाइम पे, एंशियंट इंडिया में भी कितना ज़्यादा साइंस पहुंच गई थी, यानी उसके ऊपर, उन पेंटिंग्स के ऊपर उन्होंने कुछ ऐसा किया था या कुछ ऐसा अप्लाई किया था जिससे वो आज भी एकदम फ्रेश बनी हुई है। वाराहिमिस बृहद संहिता इज अ सॉर्ट ऑफ एनसाइक्लोपीडिया, और वाराहिमिस द्वारा लिखी बृहद संहिता जो है वो तो पूरी एनसाइक्लोपीडिया, उसमें हर तरह की नॉलेज है। एनसाइक्लोपीडिया जानते हैं एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें सब चीज़ के बारे में नॉलेज होती है, ठीक है, सब चीज़ यानी 90% टॉपिक को छू लेती है। विच वॉज कम्पोज इन 6th century CE, और उस वक्त भी, उस वक्त उतने पुराने समय में भी वो उसको कम्पोज कर लिया गया था, और बहुत सारी नॉलेज उसमें लिखी हुई थी। इट इन्फॉर्म्स अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ ग्लूटेनस मटीरियल टू बी अप्लाइड ऑन द वॉल्स एंड रूफ्स ऑफ द हाउसेज एंड टेम्पल्स। ये इन्फॉर्म करती है इस बार, इन चीज़ को जो ग्लूटेनस मटीरियल, ग्लू वाला स्टिकी स्टिकी सा मटीरियल जो अप्लाई किया जाए वॉल्स एंड रूफ पे टेम्पल्स की, हाउसेस की, ठीक है, उस वक्त जैसे हम लोग आजकल पुट्टी वगैरह यूज करते हैं, तो मे बी उस यूज के लिए उसका, इस ग्लूटिनस मटेरियल का यूज उन्होंने बताया था। इट वॉज प्रिपेयर्ड एंटायरली फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट ऑफ वेरियस प्लांट, फ्रूट, सीड्स एंड बाग्स, और प्लांट फ्रूट
प्लांट से, फ्रूट से, सीड से और बाग से बन करके पूरा बनाता वो ग्लूटेन मटेरियल, विच वर कंसेंट्रेटेड बाय बॉइलिंग। पहले इनको कंसेंट्रेट किया गया बॉइल करते हुए, एंड देन वॉज ट्रीटेड विथ वेरियस रेजिन्स, और बहुत सारे रेजिन्स से इसको ट्रीट किया गया। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू टेस्ट सच मटीरियल साइंटिफिकली एंड असेस देम फॉर यूज। और इसको आज के समय में भी अगर इसको टेस्ट किया जाए, इसको इसका कि क्या इसका यूज किया जा सकता है, तो बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, ठीक है, बहुत कॉस्ट रिड्यूसिंग हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, देख रहे हैं कितनी फालतू बातें लिखी हुई हैं। चलिए पढ़ना तो है ही हमको। अ नंबर ऑफ क्लासिकल टेक्स्ट लाइक अथर्ववेद मेंशन सम डाइड स्टफ, द मटेरियल यूज्ड वर टर्मरिक, मैडर, सनफ्लावर और पिमेंट, कोचनियाल एंड लैक्स सम अदर सब्सटेंसेस हैविंग टिंटिंग प्रॉपर्टी वर कैल्पिंगा, पटांगा एंड जातुका। ठीक है, ये सब चीज़ अब है जो है सो है। अथर्वेद में ये सब चीज़ें बताई गई थी डाई स्टफ के बारे में, जिसमें टर्मरिक ये सब यूज़ किया गया था, और कुछ अदर सब्सटेंसेज हैविंग टिंटिंग प्रॉपर्टी, टिंट वगैरह देने के लिए, ठीक है, दाग वाग धब्बा देने के लिए, बना बताने के लिए ये सब चीज़ों का यूज़ किया जाता था। वाराहीमिहिर बृहत संहिता गिव्स रेफरेंसेस टू परफ्यूम्स एंड कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स और कॉस्मेटिक बताती थी वाराहीमिहिर की बृहत संहिता। रेसिपीज फॉर हेयर डाइंग वर मेड फ्रॉम प्लांट्स लाइक इंडिगो एंड मिनरल्स लाइक आयरन पाउडर, ब्लैक आयरन और स्टील, एंड एसिडिक एक्सट्रैक्ट ऑफ सोर, आइस ग्रूवेल। गाध्या लिखी डिस्क्राइब द रेसिपीज फॉर मेकिंग सेंट्स, माउथ परफ्यूम, बाथ पाउडर, इंसेंस एंड टेलकम पाउडर। तो ये सब चीज़ होती थी वाराहीमिहिर की बेहद संहिता, और ये गंध युक्ति या गंध युली जो भी है, इससे हमें बताता था कि सेंट्स और माउथ परफ्यूम या बाथ पाउडर ये सब बनाने का तरीका उसमें लिखा हुआ था, रेसिपी लिखी हुई थी। पेपर वॉज नोन टू इंडिया इन द 17th century एज अकाउंट ऑफ चाइनीज ट्रेवलर आई सिंह डिस्क्राइब्स। तो पेपर 17th century से इंडिया में नोन है, और ये चीज़ हमको पता चलती है चाइनीज ट्रैवलर की आई सिंह जो था उसकी उनकी किताबों से, उनके अकाउंट से, ठीक है। एक्सकेवेशन एट तक्षशिला, जो तक्षशिला में एक्सकेवेशन किए गए वो इंडिकेट करते हैं कि इंक वॉज यूज इन इंडिया फ्रॉम 4th century, की 4th century से इंडिया में इंक यूज हो रही है। कलर्स ऑफ इंक वर मेड फ्रॉम चौक, रेड, लेड एंड मिनिमम नहीं होगा, कुछ और होगा, ये पता नहीं क्या होगा, एल्यूमिनियम वगैरह होगा, ठीक है, तो मे भी गलत छप गया होगा। तो चौक, रेड लेड और इससे तीसरा कोई मटेरियल होगा, उससे कलर्स बनती थी इंक की। इट सीम्स दैट प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन वॉज वेल नोन टू इंडियन, और ये भी समझ में आता है कि इंडियंस को प्रोसेस ऑफ बहुत अच्छे से पता था कि फर्मेंटेशन की प्रोसेस क्या होती है। तो वेदास एंड कौटिल्यास अर्थशास्त्र मेंशन अबाउट मैनी टाइप्स ऑफ लिकर्स। वेदास जो है वेद और कौटिल्या की जो अर्थशास्त्र है वो बताती है बहुत सारे लिकर्स यानी शराब के बारे में। चरक की चरक संहिता ऑल्सो डिमेंशंस इंग्रेडिएंट्स सच एज बार्क ऑफ फ्रूट्स, स्टेम, लीव्स, वुड्स, सीरस, फ्रूट, शुगर केन फॉर मेकिंग आसवाज। आसवाज होते हैं बहुत से, इसे टॉनिक होते हैं, उसको आसव कहते हैं, ठीक है, चरक संहिता में ये सब होता है। नेक्स्ट देखते हैं, द कॉन्सेप्ट दैट मैटर इज अल्टीमेटली मेड ऑफ इनडिविजिबल बिल्डिंग ब्लॉक्स अपीयर्ड इन इंडिया अ फ्यू सेंचुरी BCE as a part of philosophical speculations। तो ये बात कि मैटर अल्टीमेटली एक इनडिविजिबल बिल्डिंग ब्लॉक से बना है, ये इंडिया में कुछ सेंचुरी पहले BCE में, फ्यू सेंचुरीज BCE एज अ पार्ट ऑफ इंडियन speculations निकल करके आई थी। आचार्य कांडा, ठीक है, ये कांडा वॉज बॉर्न इन 600 BCE, ओरिजिनली नोन बाय नेम कश्यप, ठीक है, वॉज द फर्स्ट प्रोपोनेंट ऑफ द एटॉमिक थ्योरी। पहला उन्होंने प्रपोज किया था एटॉमिक थ्योरी, और पहले प्रोपोनेंट बने थे आचार्य कांडा। ही फॉर्मुलेटेड द थ्योरी ऑफ वेरी स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच ही नेम्ड परमाणु। और उन्होंने क्या किया, अपनी थ्योरी बनाई, ये मेरे ख्याल से कांडा ना होके कनाडा हो, कन्नड़ होना चाहिए, लेकिन अब जो भी लिखा है हम तो वही पढ़ेंगे, हम तो वही समझेंगे, ठीक है। ही फॉर्मुलेटेड द थ्योरी ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल विच ही नेम्ड परमाणु, बहुत से छोटे छोटे पार्टिकल जिसको उन्होंने परमाणु के नाम से किया, कंपेरेबल टू एटम्स, ठीक है। ही ऑथर्ड द टेक्स्ट वैशिका, उन्होंने क्या किया, एक टेक्स्ट लिखा वैशिका सूत्रास। According to him, all substances are aggregated form of smaller units called atoms, जिसे उन्होंने परमाणु कहा, which are eternal, indestructible, spherical, suprasensible in motion in the original state, ठीक है, अपने original state में ये इस तरह के हैं। पहले उन्होंने बता दिया कि spherical हैं, suprasensible हैं, और in motion and in motion in the original state, और अपनी
ओरिजिनल स्टेट में या मोशन में रहते हैं, ठीक है। ही एक्सप्लेन्ड दैट दिस इंडिविजुअल एंटिटी कैन नॉट बी सेंस थ्रू एनी ह्यूमन ऑर्गन। और ये क्या कहा है उन्होंने कि अगर मान लीजिए एक एटम अगर आपके आपके आगे हाथ पे लग भी जाए तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, मतलब कोई फीलिंग नहीं आएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि आप हर वक्त हजारों एटम अपने हाथ से डिस्प्लेस कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, हवा हवा के एटम को डिस्प्लेस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको कोई सेंसेशन नहीं हो रहा है। तो यही चीज़ उन्होंने कही कि अगर एक एटम या एक परमाणु आकर के आपके हाथ से लगे कि एक एंटिटी, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई ह्यूमन ऑर्गन को सेंस नहीं कर सकता। कांडा एडेड दैट देयर आर वेराइटीज ऑफ एटम्स दैट देयर आर एज डिफरेंट एज द डिफरेंट क्लास ऑफ सब्सटेंसेज। जितने ज़्यादा सब्सटेंसेज हैं उतनी वेराइटीज हैं इस एटम्स की भी, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी सी उन्होंने गलत भी बोल दी, लेकिन चलिए अब जो भी है। ही सेड दीज परमाणु कुड फॉर्म पेयर्स और ट्रिपलेट्स अमंग अदर कॉम्बिनेशंस एंड अनसीन फोर्सेस कुड फॉर्म पेयर्स और ट्रिपलेट्स। और उन्होंने कहा कि कुछ अनसीन फोर्सेज हैं वो पेयर्स और ट्रिपलेट्स भी फॉर्म कर सकते, ये जो है परमाणु ये पेयर्स और ट्रिपलेट्स भी फॉर्म कर सकते हैं अमंग अदर कॉम्बिनेशन और अनसीन फोर्सेज। अनसीन फोर्सेज मतलब आगे देखते हैं, अनसीन फोर्सेज क्या था इधर, अनसीन फोर्सेस कॉज इंटरैक्शन बिटवीन देम। तो आपने देखा ही था पहले, अगर आपने पढ़ा हो मेरा एस सी बी का जो लेक्चर है कि उसमें हम बहुत सारे फोर्सेस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो न्यूक्लियर फोर्स है वो हमने देखा था, जो प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में या प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में न्यूट्रॉन्स वगैरह को बाइंड करके रखता है, तो वो ही अनसीन फोर्सेस के बारे में इन्होंने बता दिया था पहले ही। ही कंसेप्चुअलाइज हिज थ्योरी अराउंड 2500 ईयर्स बिफोर जॉन डेल्टन। तो इससे जॉन डेल्टन से भी 2500 साल पहले ही उन्होंने अपनी ये थ्योरी लाके सामने रख दी थी, ठीक है। तो इंडियंस का इतना पहले से ये सब चीज़ चल रही है, बस ये चीज़ है कि ये सामने नहीं आ पाती थी क्योंकि ये साधु महात्मा लोग करते थे, उनके पास पैसे तो होते नहीं थे पब्लिश कराने के इंटरनेशनल जर्नल्स में, तो वो चीज़ें सामने नहीं आ पाती थी, ठीक है। चरक संहिता इज द ओल्डेस्ट आयुर्वेदिक एपिक ऑफ इंडिया। तो चरक संहिता जो है वो बहुत सबसे पुरानी आयुर्वेदिक एपिक है, ठीक है। एपिक यानी के बहुत लंबी सी एक किताब। इट डिस्क्राइब्स द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज। ये क्या डिस्क्राइब करती है, डिजीजेस को सही करने की का तरीका। द कंसेप्ट ऑफ रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज ऑफ मेटल्स इज क्लियरली डिस्कस्ड इन चरक संहिता। और इस कॉन्सेप्ट को कि पार्टिकल साइज ऑफ मेटल्स, मेटल के पार्टिकल साइज को कैसे रिड्यूस करें, ठीक है, मेटल के साइज वगैरह को कैसे एडजस्ट करें, उसको कैसे चेंज करें, ये चीज सब चीजें भी चरक संहिता में लिखी थी। एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज इज टर्म्ड एज नैनो टेक्नोलॉजी। और नैनो टेक्नोलॉजी जो आज के समय में इतनी ज्यादा पॉपुलर हो रही है वो उन्होंने अपनी किताब में लिखी थी कि किस तरह से पार्टिकल साइज को रिड्यूस करें, कम करते जाएं। जैसे पहले चलते थे IBM के कंप्यूटर, बड़े बड़े कंप्यूटर जिनका टन्स में वेट होता था, फिर आए PC, उसके बाद आए लैपटॉप्स वगैरह, और आज तो आपके मोबाइल फोन ही पूरा कंप्यूटर बन चुका है। चलिए, चरक संहिता डिस्क्राइब्स द यूज ऑफ भस्मा ऑफ मेटल्स इन द ट्रीटमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स। तो ये भी बताता है कि किस तरह से भस्म को या भस्मा को आप ट्रीट कर सकते हैं। पाउडर होता है ये छोटा सा, बहुत थोड़ा सा मेटल्स का पाउडर होता है, उसको किस तरह से आप अपने एलिमेंट्स एलिमेंट्स यानी बीमारियों में सही कर सकते हैं उसकी मदद से। Nowadays it has been proved that भस्म have nano particles of metals। और अब ये प्रूव हो चुका है कि उस समय की भस्म में नैनो पार्टिकल्स हुआ करते थे जो सच में उसको क्योर करते थे बीमारियों को। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ आल्केमी एंड आइट्रोकेमिस्ट्री आफ्टर डिक्लाइन डिक्लाइन ऑफ आल्केमी आइट्रोकेमिस्ट्री रीच अ स्टेडी स्टेट बट इट टू डिक्लाइन ड्यू टू द इंट्रोडक्शन एंड प्रैक्टिस ऑफ वेस्टर्न मेडिसिनल सिस्टम इन 20th सेंचुरी। तो मेन आप जानते हैं, मेन इसका काम दो ही था, एक तो पारस को ढूंढना, दूसरा आपका एलिक्सिर ऑफ लाइफ या इमोर्टैलिटी का तरीका ढूंढना। तो जब वेस्ट में मेडिसिनल सिस्टम शुरू हुआ, मतलब वेस्ट की मेडिसिनल सिस्टम स्ट्रांग हुई, दवाइयाँ वगैरह अच्छी बनने लगी 20th सेंचुरी में, तो आइट्रोकेमिस्ट्री और एल्केमी दोनों ही फेल होने लगे धीरे धीरे। ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ स्टैग्नेशन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बेस्ड ऑन आयुर्वेद कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। और इन सब के बाद भी लेकिन जो आयुर्वेद पे बेस्ड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री थी वो अभी भी कंटिन्यू कर रही थी, एग्जिस्ट कर रही थी वो, ठीक है। बट इट टू डिक्लाइंड ग्रेजुअली, लेकिन वो भी धीरे धीरे डिक्लाइन कर गई। इट टुक अबाउट 100 से 150 ईयर्स फॉर इंडियंस टू लर्न एंड अडॉप्ट न्यू टेक्निक्स। और ये 100 से लेकर 150 ईयर्स लगभग लग गए इसको इंडियंस को टू लर्न एंड अडॉप्ट न्यू टेक्निक्स, नई टेक्निक जो फॉरनर्स इंट्रोड्यूस करके गए, मतलब ये
एलोपैथिक एलोपैथिक ट्रीटमेंट, ठीक है, आयुर्वेदिक से एलोपैथिक में ट्रांजिशन करने में इनको 100 से 150 साल लग गए। ड्यूरिंग दिस टाइम फॉरेन प्रोडक्ट्स पोर्ड इन, और इस बीच में क्योंकि अभी हम लोग चेंज कर रहे थे चीज़ों को, उसमें बहुत सारे फॉरेन प्रोडक्ट्स आ गए और इंडिजीनियस चीज़ें खत्म होती चली गई। एज अ रिजल्ट इंडिजीनियस ट्रेडिशंस टेक्निक्स ग्रेजुअली डिक्लाइंड, और इसका क्या रिजल्ट हुआ, इंडिजिनस चीज़ें खत्म हो गई। मॉडर्न साइंस साइंस अपियर टू इंडिया अपियर इन इंडियन सीन इन लेटर पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी। और मॉडर्न साइंस कब आई इंडिया में, लेटर पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी में आई, बाय द मिड 19th सेंचुरी। मिड 19th सेंचुरी में यूरोपियन साइंटिस्ट स्टार्टेड कमिंग टू इंडिया एंड मॉडर्न केमिस्ट्री स्टार्टेड ग्रोइंग। और मिड 19th सेंचुरी में क्या हुआ, यूरोप से साइंटिस्ट इंडिया में आने लगे और मॉडर्न केमिस्ट्री ग्रो करने लगी। फ्रॉम द अबव डिस्कशन यू हैव लर्न दैट केमिस्ट्री डील्स विद द कंपोजिशन स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड इज मच यूज टू ह्यूमन बींग्स इन डेली लाइफ। इस डिस्कशन से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, हाँ सही में समझ में आ गई, बहुत ज़्यादा ही डिस्कशन हो गया इस बात का कि केमिस्ट्री जो है वो कंपोजिशन स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज को और इंटरेक्शन ऑफ मैटर को के बारे में बात करती है एंड इज ऑफ मच यूज टू ह्यूमन बींग्स इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज की होती है ये सब, ठीक है। दीज आस्पेक्ट कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एंड अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर दैट आर एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो ये एस्पेक्ट सबसे अच्छा डिस्क्राइब किए जा सकते हैं किस किस टर्म में, किस किस शब्दों में, एटम्स हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स के शब्दों में। कहने का मतलब है कि केमिस्ट्री को हम सबसे अच्छा समझ सकते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल के जरिए। दैट इज वाई केमिस्ट्री इज ऑल्सो कॉल्ड साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल। और इसे लिखा जाता है कि केमिस्ट्री जो है वो साइंस किस चीज़ की है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स की साइंस है। कैन वी सी वे एंड परसीव दीज एंटिटीज, क्या हम इसको छू सकते हैं, अब उठा बाहर कर सकते हैं इसका, ठीक है, या परसीव कर सकते हैं इसको, मतलब सेंस कर सकते हैं, नहीं। इज इट पॉसिबल टू काउंट द नंबर ऑफ एटम्स इन अ गिवन मास ऑफ मैटर एंड हैव अ क्वालिटेटिव रिलेशन बिटवीन द मास एंड नंबर ऑफ दीज पार्टिकल्स। हाँ ये सब तो मतलब कर सकते हैं। तो चलिए ये सब तो खैर क्वेश्चंस पूछ रहा है वो, तो आगे क्या क्या कर सकते हैं वो हमको पता चलेगा एंड उसके बाद देखते हैं। वी विल गेट द आंसर ऑफ सम ऑफ दीज क्वेश्चंस इन दिस यूनिट, और इनके कुछ कुछ आंसर्स हमको इसी यूनिट में मिल जाएंगे। वी विल फर्दर डिस्क्राइब हाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कैन बी क्वालिटेटिवली डिस्क्राइब यूजिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज यूजिंग सूटेबल यूनिट्स। तो हमको ये भी समझ में आ जाएगा कि किस तरह से फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है मैटर की, उसको डिस्क्राइब किया जा सकता है क्वान्टिटेटिवली यूजिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज। यानी कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी आज तक कह रहे थे हम, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, हार्डनेस वगैरह, ये सब न्यूमेरिकली भी हैंडल की जा सकती है इन चीज़ों को, और न्यूमेरिकल टर्म्स में भी देखा जा सकता है नंबर, कितने एटम्स हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ये सब चीज़ें न्यूमेरिकली हम लोग देखेंगे विद सूटेबल यूनिट्स। तो चलिए अब जो है चैप्टर का फालतू पार्ट थोड़ा कम हुआ है, ठीक है, थोड़ा और है, चलिए देख लेते हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री 1.1, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, चलिए ये देखते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री प्लेज अ सेंट्रल रोल इन साइंस एंड इज ऑफन इंटरट्वाइंड विद अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस। तो केमिस्ट्री जो है वो सेंट्रल रोल प्ले करती है साइंस में, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका कहने का मतलब, और बहुत अक्सर इंटरट्वाइंड यानी कि आपस में उलझना कहते हैं इंटरट्वाइंड को, तो और भी दूसरे ब्रांचेस के बीच में आ जाती है कई बार ये, क्योंकि इसका भी जरूरत पड़ती है और भी दूसरे ब्रांचेस में, जैसे फिजिक्स वगैरह में या और भी दूसरी ब्रांचेस जो होती हैं उसमें, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री आर एप्लीकेबल इन डाइवर्स एरियाज, जो प्रिंसिपल्स होते हैं केमिस्ट्री के वो बहुत सारे एरियाज में उसका यूज होता है, सच एज वेदर पैटर्न्स, फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन एंड ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर, प्रोडक्शन ऑफ इन केमिकल इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर, एल्कली एसिड, सॉल्ट, डाइज, पॉलीमर, ड्रग्स, सोप, डिटर्जेंट, मेटल्स, अलॉयज, इंक्लूडिंग न्यू मटीरियल। तो ये सब चीज़ में भी केमिस्ट्री का यूज आता है। केमिस्ट्री कंट्रीब्यूट्स इन अ बिग वे टू द नेशनल इकोनॉमी, नेशनल इकोनॉमी में केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। इट ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मीटिंग ह्यूमन नीड्स फॉर फूड, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ह्यूमन की जो नीड्स है फूड की, उसके लिए, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के लिए एंड अदर मटीरियल
एम्ड एट इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, और दूसरे मटेरियल्स जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए एम करते हैं, ठीक है। दिस इज एग्जेम्प्लीफाइड बाई लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अ वराइटी ऑफ फर्टिलाइजर, इम्प्रूव्ड वराइटी ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। केमिस्ट्री प्रोवाइड्स मेथड्स फॉर द आइसोलेशन ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज एंड मेक्स पॉसिबल सिंथेसिस ऑफ सच ड्रग्स। तो ये सब काम करती है, मतलब ड्रग्स वगैरह, ड्रग्स आप समझते हैं कि ड्रग्स वाली नहीं, मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन का सिंथेसिस के लिए उस तरह के कुछ मेडिसिन, जैसे दो दिखाई दी गई हमको, सिसप्लैटिन और टैक्सोल, विच आर इफेक्टिव इन कैंसर थेरेपी, और कैंसर थेरेपी में ये मदद करती हैं। द ड्रग AZT यानी एजाइडोथाइमिडीन इज यूज फॉर हेल्पिंग एड्स पेशेंट, तो एड्स पेशेंट को यूज के लिए भी बेनिफिशियल होती है ये दवाई। केमिस्ट्री कंट्रीब्यूट्स टू अ लार्ज एक्सटेंट इन द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ अ नेशन। केमिस्ट्री क्या करती है, कंट्रीब्यूट करती है बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट ऑफ नेशन के लिए, ठीक है। बहुत सारे जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में भी केमिस्ट्री का काम है, बहुत सारी इंडस्ट्री, टेक्सटाइल वगैरह में सब जगह केमिस्ट्री का काम है। इन द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ ए नेशन विथ अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ केमिकल प्रिंसिपल्स, इट हैज़ नाउ बिकम पॉसिबल टू डिज़ाइन एंड सिंथिसाइज अ न्यू मटीरियल हैविंग स्पेसिफिक मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। तो कि जिस तरह से ग्रोथ हो रही है, जिस तरह से बेटर हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं केमिकल प्रिंसिपल को, जितना बेटर हम समझ रहे हैं केमिकल प्रिंसिपल को, अब ये चीज़ें पॉसिबल हो गई हैं कि हम डिज़ाइन करें, सिंथेसाइज करें नए मटेरियल जिनमें कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हो जो हमको रिक्वायर्ड है, जैसे मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल, इस तरह की प्रॉपर्टीज़ हो। दिस हैज़ लेड टू द प्रोडक्शन ऑफ सुपर कंडक्टिंग सेरामिक्स, कंडक्टिंग पॉलीमर्स, ऑप्टिकल फाइबर एक्सेट्रा। तो ये सब का इन्हीं की वजह से, क्योंकि हम इतना समझ चुके हैं केमिस्ट्री और साइंस को कि हम इन चीज़ों को भी अब डेवलप कर ले रहे हैं। केमिस्ट्री हैज़ हेल्प्ड इन एस्टैब्लिशिंग इंडस्ट्रीज विच मैन्युफैक्चर यूटिलिटी गुड्स लाइक एसिड्स, एल्कलीज, डाइज, पॉलीमर, मेटल्स एक्सेट्रा। तो केमिस्ट्री ने क्या किया है, हेल्प किया है इन एस्टैब्लिशिंग इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश करने में जो मैन्युफैक्चर करते हैं यूटिलिटी गुड्स, जैसे एसिड वगैरह, एल्कली वगैरह, डाइज, पॉलीमर्स, मेटल्स एक्सेट्रा, ठीक है। दीज इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट इन अ बिग वे टू द इकोनॉमी ऑफ नेशन एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट। ये जो इंडस्ट्रीज हैं ये कंट्रीब्यूट बहुत ज़्यादा करती हैं इकोनॉमी के लिए और जनरेट करती हैं एम्प्लॉयमेंट। इन रिसेंट ईयर्स केमिस्ट्री हैज़ हेल्प्ड इन डीलिंग विद सम ऑफ द प्रेसिंग एस्पेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। आज के रिसेंट ईयर्स में केमिस्ट्री ने क्या हेल्प किया है, जो बहुत ज़्यादा प्रेसिंग एस्पेक्ट है नेशन के, जैसे फॉर एग्जाम्पल एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, ठीक है, विद अ फेयर डिग्री ऑफ सक्सेस, बहुत हेल्प भी किया है और बहुत जगह सक्सेस भी पाई है। सेफर अल्टरनेटिव्स टू का एनवायरमेंटली हाजार्डस रेफ्रिजरेंट्स लाइक CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन इन द स्ट्रेटोस्फीयर have been successfully synthesized। और आप जानते हैं CFC को हटा के अब धीरे धीरे HFC लाई जा रही है, ठीक है, हाइड्रोजन से बनती है, हाइड्रोजन या हीलियम किसी से बनती है HFC, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन अब धीरे धीरे खत्म हो रही है जो स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट ओजोन लेयर को खराब कर रही थी, बर्बाद कर रही थी। However, many big environmental problems continue to be matters of grave concern to the chemists। और लेकिन और भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं, बड़ी बड़ी एनवायरमेंटल समस्याएं हैं जो अभी भी केमिस्ट को परेशान कर रही हैं, उनके लिए कंसर्न, उनके लिए परेशानी का कारण बनी हुई हैं। वन सच प्रॉब्लम इज द मैनेजमेंट ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस का मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, लाइक मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, इस तरह की जो गैसेस हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल रही हैं, उससे एनवायरमेंट में गर्मी बढ़ती जा रही है और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। इससे क्या होगा, जल स्तर बढ़ेगा और जल स्तर बढ़ने के कारण बहुत सारी लैंड जो है वो पानी के नीचे जाती चली जाएगी। अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेस, यूज ऑफ एंजाइम्स फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स एंड सिंथेसिस ऑफ न्यू एक्सोटिक मटेरियल आर सम ऑफ द इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस फॉर द फ्यूचर जनरेशन ऑफ केम। फ्यूचर जनरेशन जो होगी उनके लिए ये चैलेंजेस है कि ये चीज़ समझना, बायोकेमिकल प्रोसेस समझना, एंजाइम्स का यूज़ करके लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना केमिकल्स का, और नए एक्जॉटिक मटेरियल्स बनाना जिससे हमारी इकोनॉमी बढ़े, डेवलप करे कंट्री, ठीक है। ए डेवलप, वो सब दायित्व है एक नए आने वाले केमिस्ट का। ए डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया नीड्स टैलेंटेड एंड क्रिएटिव केमिस्ट फॉर एक्सेप्टिंग सच चैलेंजेस।
और एक डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, उसके लिए बहुत टैलेंटेड और क्रिएटिव केमिस्ट की जरूरत है फॉर एक्सेप्टिंग, जो एक्सेप्ट कर सके सच चैलेंजेस, इस तरह के चैलेंजेस को, ठीक है। टू बी अ गुड साइंटिस्ट, टू बी अ गुड केमिस्ट एंड टू एक्सेप्ट सच चैलेंजेस, वन नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और इसीलिए हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री विच बिगिन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर। लेट अस स्टार्ट विद द नेचर ऑफ मैटर। तो जो उसे शुरू होता है वो मैटर से शुरू होता है। अब देखिए, आपसे आपका असली में चैप्टर अब से शुरू हो रहा है, अभी तो सब फालतू बात हो रही थी। सबसे पहले देखिए, यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द टर्म मैटर। जो मैटर का टर्म है उससे आप अब बहुत अच्छे से फेमिलियर हो चुके होंगे फ्रॉम योर अर्लियर क्लासेस, अपने पुरानी क्लासेस में, 9th 10th में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है मैटर वगैरह क्या होता है। एनी थिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। और ये तो आपके जबान पे होगा और मुंह पे रट गया होगा कि जिसके जिस चीज में भी मास है और स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो मैटर है। एवरीथिंग अराउंड अस, फॉर एग्जाम्पल बुक, पेन, पेंसिल, वाटर, एयर, ऑल लिविंग बींग्स एक्सेट्रा आर ऑल कम्पोज ऑफ मैटर। यू नो दैट दे हैव मास एंड दे ऑक्यूपाई स्पेस। और क्योंकि आपको जानते हैं कि वो उनके पास मास है, वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। लेट अस रिकॉल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर तो मैं क्या ही बताऊँ आपको, वही होते हैं। देखिए, यू आर अवेयर दैट द मैटर कैन एग्जिस्ट इन थ्री फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस। जो आप सेकेंड क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ मैटर इन दीज थ्री स्टेट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज शोन इन फिगर 1.1। तो 1.1 हम देख लेते हैं क्या है। चलिए, 1.1 आ गया, तो आगे नेक्स्ट ही पेज में देखेंगे हम। पार्टिकल्स आर हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर इन सॉलिड्स। सॉलिड्स में बहुत क्लोज क्लोज होते हैं पार्टिकल्स इन एन ऑर्डरली फैशन एंड देर इज नॉट अ मच फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती है। लिक्विड्स में पार्टिकल क्लोज होते हैं बट दे कैन मूव अराउंड, लेकिन वो मूव कर सकते हैं। हाउ इन गैसेज, गैसेज में द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट एज कम्पेयर टू दोज प्रेजेंट इन लिक्विड्स, सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट, बिकॉज देयर मूवमेंट इज ईजी एंड फास्ट। और गैसेज में क्या होता है, बहुत आसानी से ये मूव कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस होती है। बिकॉज ऑफ सच अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स डिफरेंट स्टेट्स एग्जिबिट फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। और इस अरेंजमेंट के कारण अलग अलग स्टेट्स अलग अलग प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करते हैं। क्या, सॉलिड्स में सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप, लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट डो नॉट हैव डेफिनेट शेप, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। ठीक है, ये हो गया हमारा पेज। नेक्स्ट पेज देखिए, 1.1 आपको दिख जाएगा। यहाँ पे तीनों का बताया गया, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में हमको इसमें दिखा दिया गया फिगर के माध्यम से। गैसेस नीदर हैव डेफिनेट वॉल्यूम नॉर हैव डेफिनेट शेप, दे कम्प्लीटली ऑक्यूपाई द स्पेस इन द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। दीज थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, ये तीन स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, आर इंटरकन्वर्टेबल बाय चेंजिंग द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन को चेंज करेंगे तो एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाएंगे। कैसे, देखिए, सॉलिड को अगर आप हीट करेंगे तो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को हीट करेंगे तो गैस बन जाएगा, और गैस को कूल करेंगे तो वो लिक्विड बन जाएगा, और लिक्विड को कूल करेंगे तो वो सॉलिड बन जाएगा। उसी तरह से आप गैस को कंप्रेस करेंगे तो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को कंप्रेस करेंगे वो सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, वन ऑन हीटिंग, सॉरी मैं ज़्यादा गर्दन मेरी ऐसी हो गई है बोल के, ठीक है, तो इतना बोलना भी पड़ता है, कोई बात नहीं, चलिए आप लोग के लिए। ऑन हीटिंग अ सॉलिड यूजुअली चेंजेस टू अ लिक्विड। हीट करने पर सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, और लिक्विड ऑन फर्दर हीटिंग चेंजेस टू अ गैस। इन रिवर्स प्रोसेस उल्टा हो जाता है, कूलिंग करने से सेम चीज़ें रिवर्स हो जाती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन मैटर को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। इन क्लास 9th चैप्टर 2, देखिए 9th के चैप्टर 2 में याद करा रहा है, तो मैं वहाँ की बुक तो आपको दिखा नहीं सकता, तो आपके पास होगी तो आप देख लीजिएगा, नहीं होगी तो छोड़िए, बाहर में जाए फालतू बात। ठीक है, यू हैव लर्न दैट एट द मैक्रोस्कोपिक और बल्क लेवल मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज मिक्सचर और प्योर सब्सटेंसेस। तो बल्क लेवल पे अगर देखा जाए तो मिक्सचर को किस तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है, एज अ मिक्सचर या प्योर सब्सटेंस। कि अगर वो मिक्सचर है, किसी दो चीज़ों का मिक्सचर है, मिक्सचर मिश्रण है, या एक प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, दीज कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड एज शोन इन फिगर 1.2। तो फिगर 1.2 देखिए यहाँ पे है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। सबसे ऊपर है हमारा मैटर। मैटर को दो तरह से मिक्सचर में क्लासिफाई किया जा सकता है, प्योर सब्सटेंसेज में क्लासिफाई किया जा सकता है। फर्दर मिक्सचर्स में हम क्लासिफाई कर सकते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, और प्योर सब्सटेंसेज में क्लासिफिकेशन हो सकता है एलिमेंट्स, ठीक है, और कंपाउंड्स। तो यही चीज़ आगे लिखी हुई है, चलिए देख लेते हैं। When all constituent particles of a substance are same in a chemical nature, जब सारे constituent particles जो होते हैं एक substance के
वो सेम होते हैं केमिकल नेचर में, इट इज सेड टू बी अ प्योर सब्सटेंस। जब सब सेम है तो प्योर सब्सटेंस है। ए मिक्सचर कंटेन्स मेनी टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, और एक मिक्सचर में क्या होता है, बहुत तरह के पार्टिकल्स होते हैं, वो एक दूसरे में जोड़े जाते हैं। जोड़े जाते हैं मतलब, या उसमें प्रेजेंट रहते हैं उसी तरह से कि मतलब साथ में प्रेजेंट रहते हैं एक साथ, ठीक है। अब मिक्सचर कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेज, और एक मिक्सचर जो होता है वो उसमें क्या होता है, पार्टिकल्स होते हैं दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेज विच मे बी प्रेजेंट इन इट इन एनी रेशियो, जो उसमें प्रेजेंट हो सकते हैं किसी भी रेशियो में। हैंस देयर कंपोजिशन इज वेरिएबल, और इसीलिए उनका कंपोजिशन जो है वो वेरिएबल है, अलग अलग हो सकता है। प्योर सब्सटेंसेज ऑफ प्योर सब्सटेंसेज फॉर्मिंग मिक्सचर आर कॉल्ड इट्स कंपोनेंट, जो प्योर सब्सटेंसेज मिक्सचर फॉर्म कर रहे होते हैं उनको उसके कंपोनेंट बोले जाते हैं, ठीक है। ये दो कंपोनेंट मिलकर के बनाया है इन्होंने एक मिक्सचर, अराउंड यू आर मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल सुगर सुगर सॉल्यूशन इन वाटर, एयर, टी, ठीक है, ये सब जो है मिक्सचर। आप टी बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट डालते हैं, वो प्योर सब्सटेंस नहीं हो सकती है। अब मिक्सचर में भी होमोजीनियस और हेटरोजीनियस, एक मिक्सचर जो है वो होमोजीनियस भी हो सकता है और हेटरोजीनियस भी हो सकता है। अब देखो इसका क्या मतलब है, ए होमोजीनियस मिक्सचर द कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्स विथ ईच अदर, दिस मीन्स दैट पार्टिकल्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट। कहने का मतलब कि होमोजीनियस मिक्सचर में द कंपोनेंट जो होते हैं वो कंप्लीटली एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं और पार्टिकल्स बिल्कुल यूनिफॉर्म होते हैं थ्रू आउट, ठीक है। उसमें ऐसा नहीं कि जहाँ से भी आप थोड़ा सा सब्सटेंस ले लें, ठीक है, जैसे आप आपने अल्कोहल को या अल्कोहल को वाटर में अगर डिसॉल्व करेंगे तो एकदम पूरा होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है, पूरा होमोजीनियस होता है। आप कहीं से भी उठा लीजिए, इसका कंसंट्रेशन सेम रहेगा जैसा पूरे लिक्विड की हो रही होगी, ठीक है। द बल्क ऑफ द मिक्सचर एंड इट्स कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। शुगर शुगर सॉल्यूशन एंड एयर आर एग्जाम्पल्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। तो शुगर सॉल्यूशन जो है, शुगर अगर आपने पानी में डिजॉल्व कर दिया, या हवा, हवा भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है होमोजीनियस मिक्सचर का। कहीं से भी ले लीजिए, वही 70% नाइट्रोजन, 30% ऑक्सीजन और बची कुची गैसेस, ठीक है। इन कंट्रास्ट टू दिस, इन अ हेटरोजीनियस मिक्सचर द कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट एंड समटाइम्स डिफरेंट कंपोनेंट्स आर विजिबल, और अलग अलग कंपोनेंट विजिबल होते हैं एक हेटरोजीनियस मिक्सचर में। फॉर एग्जाम्पल मिक्सचर्स ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, ग्रेन्स एंड पल्सेस अलॉन्ग विथ सम डर्ट, ये सब चीज़ें करके अगर देखेंगे तो ये बन जाएंगे आपके हेटरोजीनियस मिक्सचर। यू कैन थिंक ऑफ मैनी मोर एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्सचर्स इन विच यू कम अक्रॉस इन विच यू कम केम अक्रॉस केम अक्रॉस होगा, पता नहीं जो भी है गड़बड़ लिखा है ग्रामर। तो यू कैन थिंक ऑफ बहुत सारे एग्जाम्पल आप सोच सकते हैं। इट इज वर्थ वाइल टू मेंशन हियर दैट द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग फिजिकल मेथड सच एज सिंपल हैंड पिकिंग, फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन एक्सेट्रा, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट है, आप जो नोट करके, नोट की बात जो है कि जो कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर के उनको सेपरेट किया जा सकता है फिजिकल मेथड के जरिए, उनको कोई केमिकल मेथड की जरूरत नहीं होती है सेपरेशन के लिए, जैसे हैंड पिकिंग से, फिल्ट्रेशन से, क्रिस्टलाइजेशन से, डिस्टिलेशन से। प्योर सब्सटेंसेस हैव कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट फ्रॉम मिक्सचर, मिक्सचर से अलग होते हैं ये। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, फिक्स कंपोजिशन होता है, जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड ग्लूकोज आर सब एग्जाम्पल ऑफ प्योर सब्सटेंसेज, ये सिंगल सब्सटेंस होते हैं। ग्लूकोज कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इन अ फिक्स रेशियो एंड इट्स पार्टिकल आर सेम एंड इट्स पार्टिकल्स आर ऑफ सेम कंपोजिशन, सेम कंपोजिशन के सारे पार्टिकल्स होते हैं, ये नहीं किसी में कार्बन ज़्यादा, किसी में हाइड्रोजन ज़्यादा, किसी में ऑक्सीजन ज़्यादा, ठीक है, सब सेम होते हैं। हैंस लाइक ऑल अदर प्योर सब्सटेंसेज ग्लूकोज हैज अ फिक्स कंपोजिशन, इसी तरह और इसी हैंस इसीलिए लाइक ऑल अदर प्योर सब्सटेंसेज और बहुत सारे जो प्योर सब्सटेंसेज हैं उन्हीं की तरह ग्लूकोज में भी, ग्लूकोज के पास फिक्स कंपोजिशन है। ऑल्सो इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड, उनके जो कंपोनेंट है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वो फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं किए जा सकते हैं। प्योर सब्सटेंसेस कैन फर्दर बी क्लासीफाइड इनटू एलिमेंट और कंपाउंड, और प्योर सब्सटेंस को हम एलिमेंट से और कंपाउंड में फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कैसे करेंगे, देखिए, पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ एटम, यानी कि जो एलिमेंट होगा उसमें केवल एक तरह का एटम होगा। दीज पार्टिकल मे एग्जिस्ट एज एटम्स और मॉलिक्यूल्स, और ये पार्टिकल क्या होते हैं, एलिमेंट्स, पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट में क्या होगा, या तो वो एटम्स होंगे, सिंगल एटम्स, या कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। यू मे बी फॉर्म फेमिलियर विद एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द
प्रीवियस क्लासेस एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में आप पहले की क्लासेस से भी जानते होंगे, ठीक है। यू विल बी स्टडिंग अबाउट देम इन डिटेल इन यूनिट टू, और उसके बारे में और डिटेल में हम देखेंगे किसमें, कहाँ पे, यूनिट टू में, सेकेंड यूनिट में। सोडियम, कॉपर, सिल्वर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ एलिमेंट। जी ये सब जो है, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं एलिमेंट के। देयर ऑल एटम्स आर ऑफ वन टाइप, सारे एटम जो है इसके एक तरह के होते हैं। जैसे सोडियम का आप सारे एटम ले लीजिए, पूरा ब्लॉक लीजिए, उसके हर एक एटम निकाल के देख लीजिए, अगर निकाल पाएंगे तो, कि सब एक एक तरह के सारे एक तरह के होते हैं। हाउएवर, लेकिन द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन नेचर, लेकिन जो एटम्स होते हैं अलग अलग एलिमेंट्स के, वो अलग अलग होते हैं। जैसे सोडियम का और पोटेशियम का अलग अलग होगा, ठीक है, बिल्कुल भी सेम नहीं होगा। सम एलिमेंट्स सच एज सोडियम और कॉपर कंटेन एटम्स इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, वेयर एज इन सम अदर्स द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल। इन कुछ में मॉलिक्यूल्स होता है, विच आर मॉलिक्यूल्स होते हैं विच आर फॉर्म्ड बाय टू और मोर एटम्स को मिल करके, सेम ही एटम्स होते हैं, मिल करके मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या आपके दे सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन दो मिलके बनाते हैं, नाइट्रोजन दो मिलके बनाते हैं, ऑक्सीजन में भी दो मिलके बना लेते हैं, ओ टू मॉलिक्यूल बना लेते हैं। गैसेस कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन विच टू एटम्स कंबाइन टू गिव देयर रेस्पेक्टिव मॉलिक्यूल्स, और दो एटम कंबाइन करके अपना रेस्पेक्टिव मॉलिक्यूल्स देते हैं। दिस इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 1.3। और देखिए यही है फिगर 1.3, यहाँ पे देखिए एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स दिखा रहा है और किस तरह से दो मिल करके बनाते हैं दो मिल करके एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। When two or more atoms of different elements combine together in definite ratio, the molecule of a compound is obtained. जब दो से ज़्यादा atoms, देखिए atoms same होंगे तो वो बनाएंगे एक molecule बनाएंगे, वो molecule भी element का ही part आ जाता है, ठीक है, elements में आ जाता है वो। लेकिन जब elements, दो अलग अलग elements combine होते हैं एक definite ratio में, तो जो molecule बनता है molecule of एक molecule बनता है compound का, ठीक है। Example जैसे moreover the H2O जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, दो एच और एक हो। मोर ओवर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ए कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, इसके अलग से ज्यादा इसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं कंपाउंड के, वो सेपरेट नहीं किए जा सकते हैं, कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड के जरिए इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। जैसे H2O को आप इलेक्ट्रिकल मेथड से कर सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस करके, लेकिन फिजिकल मेथड के जरिए नहीं कर सकते, ठीक है। दे कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड्स, तो केमिकल मेथड के जरिए इनको सेपरेट किया जा सकता है। एग्जाम्पल्स आर सम कंपाउंड्स, एग्जाम्पल्स ऑफ सम कंपाउंड्स आर वाटर, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, शुगर एक्सेट्रा। द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड आर रिप्रेजेंटेड इन फिगर 1.4, और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, कार्बन डाइऑक्साइड के, ये सब 1.4 फिगर में आप देख सकते हैं, ठीक है। 1.4 कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए H2O और ये। नेक्स्ट देखिए, नोट दैट अ वाटर मॉलिक्यूल कंप्राइजेस टू हाइड्रोजन एटम्स एंड वन ऑक्सीजन एटम। ये चीज नोट करिए कि एक वाटर मॉलिक्यूल्स में दो हाइड्रोजन एटम होते हैं, वन ऑक्सीजन एटम होते हैं। इसी तरह से एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में दो ऑक्सीजन एटम होते हैं कंबाइंड विथ वन कार्बन एटम। दस द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इन अ फिक्स्ड एंड डेफिनेट रेशियो। तो जो अलग अलग एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जो प्रेजेंट होते हैं, वो फिक्स्ड रेशियो और डेफिनेट रेशियो में प्रेजेंट होते हैं, एंड दिस रेशियो इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पार्टिकुलर कंपाउंड। और ये रेशियो जो होता है वो उस कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक होती है। H2O में हमेशा दो एच और एक ओ ही होंगे हमेशा, ठीक है, कभी ये चेंज नहीं होगा। ऑल्सो द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। जो प्रॉपर्टी होती है कंपाउंड की वो डिफरेंट होती है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर गैसेस, वेयर एज द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन एज वाटर इज अ लिक्विड। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट हाइड्रोजन बर्न्स विद अ पॉप साउंड एंड ऑक्सीजन इज द सपोर्टर ऑफ कंबशन, बट वाटर इज यूज एज फायर एक्सटिंग्विशर। चलिए इतना हो गया, आपको मेरे ख्याल से लास्ट लाइन समझ में आ गई होगी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसेस हैं, वो उनका जो कंपाउंड है वो पानी है जो कि लिक्विड है। सेकंड चीज, दोनों ही हाइड्रोजन जो है बर्न करता है, ऑक्सीजन सपोर्ट करता है कंबशन को, लेकिन वाटर पानी बुझाने में यूज होता है। तो चलिए इतना हमने देख लिया पार्ट वन में, पार्ट टू में हम देखेंगे यहाँ से, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहिए हमारे चैनल से, एंड थैंक यू।